आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर में मसालों की खेती पर खासा फोकस दिया जा रहा है। मिर्ची की खेती भी उनमें से एक है। हरी मिर्च खाने के भी फायदे होते हैं। यह विटामिन से भरपूर होती है। मिर्च में पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। मिर्च का उपयोग लंबे समय से दर्द से राहत के लिए किया जाता है। मिर्च के अर्क का उपयोग गठिया, सिर दर्द, जलन और नसों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि उनके पास प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और कोलेस्ट्रॉल कम करने की शक्ति है। नेशनल चिली टास्क फोर्स के अनुसार मिर्च देश में मसालों के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 6500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, जबकि मसालों का कुल निर्यात लगभग 21500 करोड़ रुपए का है। भारत से कुल मसालों का निर्यात पिछले साल 27193 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। इसमें मिर्च का निर्यात भी शामिल है। इसका फायदा मिर्च की खेती करने वाले किसानों को होगा। यही कारण है कि किसान मिर्च की खेती करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। मिर्च की अधिक पैदावार करने और किसानों को मिर्च की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्कृत मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, जो कुल निर्यात का केवल 30% है, जबकि शेष साबुत सूखी मिर्च है। भारत मिर्च उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बना हुआ है और आंध्र प्रदेश वाणिज्यिक फसल पैदा करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। भारत में उगाई जाने वाली मिर्च की गुणवत्ता को दुनिया भर में सबसे अधिक पसंद किया जाता है और निर्यात ने पिछले 10 वर्षों में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में स्वस्थ वृद्धि दिखाई थी। कीटनाशक अवशेष और एफ्लोटॉक्सिन नगण्य मात्रा में पाए गए। आज तक भारतीय मिर्च निर्यात वैश्विक मिर्च व्यापार में 50% से अधिक का योगदान देता है। चीन इसका निकटतम प्रतियोगी है, लेकिन यह दूसरे स्थान पर बहुत पीछे है। कर्नाटक में उगाई जाने वाली ब्यादगी मिर्च की रंग और तीखेपन के कारण विश्व बाजार में काफी मांग है। पूसा ज्वाला, सोना 21, जवाहर, सदाबहार, अग्नि, गुंटूर, प्रकाशम, कृष्णा क्षेत्र में उगाई जाने वाली तेजा और गुंटूर सन्नम किस्में आंध्र प्रदेश को भारत में मिर्च उत्पादन में अग्रणी बनाती हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश अन्य प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्य हैं। भारत से चीन की लाल मिर्च का आयात वित्त वर्ष 18 तक 10,000 टन से बढ़कर अगले वर्ष लगभग 75,000 टन और वित्त वर्ष 2020 में लगभग 1.4 लाख टन हो गया है, क्योंकि चीनी लोगों ने भारतीय मसाले को पसंद किया है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा गर्म है। 144 से अधिक देशों में मिर्च का निर्यात किया जाता है। पूरी दुनिया में मिर्च की 400 से अधिक विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है और मिर्च के कुल क्षेत्रफल में लगभग 26% का योगदान देता है। इसके महाराष्ट्र 15%, कर्नाटक 11%, उड़ीसा 11%, मध्य प्रदेश 7% का स्थान है। इसके अलावा अन्य राज्य मिर्च के कुल क्षेत्रफल में लगभग 22% का योगदान करते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मिर्च की कुछ उन्नत किस्में हैं, जिनकी खेती करके किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनमें काशी अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला आदि शामिल हैं। इसके अलावा मिर्च की हाइब्रिड किस्में हैं, जिनमें काशी अरली, काशी सुरख, अर्का मेघना, अर्का श्वेता, अर्का और हरिता हैं। इसके अलावा नवतेज, माही 456, माही 453, सोनल, HPH 12, रोशनी, शक्ति 51 आदि ऐसी किस्में हैं जिनका निर्माण निजी कंपनियों ने किया है। इसलिए किसान ऐसी किस्मों की खेती करके भी बाजार में जिनकी मांग है, इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल है, कर सकते हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार में। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।